फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए केक की बहुत ही बढ़िया रेसिपी। आज हम इस केक को बनाने वाले हैं पिस्ता, बादाम और इलायची के साथ। ये केक दिखने में जितना बढ़िया दिखता है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। मुंह में डालते ही घुल जाने वाला ये केक। इस केक की रेसिपी को देखने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में लेंगे हम 20 पिस्ताशियो, 10 से 12 आलमंड्स यानी कि बादाम, 10 से 12 इलायची के बारीक कूटे हुए दाने। अब डाल देंगे उसमें 2 टेबलस्पून चीनी। अब सभी को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बना लेना है पाउडर। मैंने यहाँ पे फाइन पाउडर बना लिया है। अब मैं लूँगी एक बोल, बोल में डालूंगी 1/2 कप दही। ये दही गाढ़ा है और कम खट्टा है। अब डाल देंगे उसमें 1/2 कप पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा फेंट लेना है, 3 से 4 मिनट तक फेंटना होगा इसे। फेंटने से चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है। अभी हो चुका है तो मैं इसमें डालूंगी नमक, 2 पिंच नमक डाल दिया है मैंने। अब डाल दूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसे फिर से फेंट लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दही के साथ जब मिल जाता है तो थोड़ा सा फ्रॉथ आने लगता है। अभी थोड़ा सा जागा आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसमें मिलाएंगे पाउडर, जो बादाम, पिस्ता और इलायची का पाउडर बनाया था शुगर के साथ। इसीलिए मैंने 1/2 कप ही चीनी ली है, क्योंकि मैं 1 कप मैदे का बनाने वाली हूँ तो उसके लिए लगभग 3/4 कप चीनी लगती है। 2 चम्मच हमने पहले डाल दिए हैं पाउडर के साथ, 1/2 कप हमने दही के साथ मिला दी है। अब हम इसमें मिलाएंगे मैदा, 1 कप मैदा लिया है मैंने यहाँ पे। मैदे को अच्छे से छान लेंगे इस बैटर में जो पहले हमने बनाया था। अब इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस, 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ मैं। अब इसको अच्छे से फेंट लेना है, 4 से 5 मिनट तक इसको मिला लेना है। अभी हो चुका है तो अब मैं डालूंगी इसमें 2 टेबलस्पून घी। प्योर घी लिया है मैंने यहाँ पे, रूम टेम्परेचर का लिया है। आप घी की जगह पर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल आप 3 टेबलस्पून लेना अगर ऑयल यूज़ करते हैं तो, या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बटर को भी 2 टेबलस्पून ही लेना चाहिए। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी बैटर गाढ़ा है तो उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध। दूध यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ज़रूरत के अनुसार, इकट्ठा डाल के पतला नहीं करूँगी। अब डालूँगी ग्रीन पाउडर कलर, पहले मैं 1 पिंच ही ग्रीन पाउडर कलर डालूँगी। खाने का पाउडर कलर है ये, और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ येलो कलर, ये भी पाउडर कलर ही यूज़ कर रही हूँ। 1 पिंच ही डाला है मैंने येलो कलर। दोनों कलर डालने के बाद बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे। कलर इकट्ठा ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, ज़रूरत के अनुसार आप थोड़ा थोड़ा कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, जब तक कि आपके मनपसंद का कलर नहीं आ जाता बैटर को। मैंने और थोड़ा सा ग्रीन कलर डाला है, और ये बैटर अभी भी गाढ़ा है तो इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 कप मिल्क। अब मिल्क डालने के बाद इसको अच्छे से फेंट लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। बैटर को हमें फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बनाना है। अब ये हो चुका है तो चलिए, मैंने टिन को पहले से ही ग्रीस करके लिया है। यहाँ पे मैंने टिन को घी और मैदे से ग्रीस किया है। डाल देंगे उसमें बैटर, और देखिए कितना बढ़िया बैटर बन चुका है। 2 बार टैप कर लूँगी और प्री हीटेड कढ़ाई में मैं इसे बेक करूँगी 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पे।
30 या 35 मिनट में ये केक बनके रेडी हो जाएगा। देखिए केक बढ़िया से फूल चुका है, ये बनके रेडी हो चुका है। चलिए केक को डीमोल्ड करते हैं और आसानी से निकल आया है, बढ़िया से फूल भी चुका है ये केक। और कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब हमें इसके कॉर्नर्स को भी काट लेना होगा। अब मैं चारों कॉर्नर्स को काट कर निकाल दूंगी। और ये कॉर्नर्स अच्छे से कट भी जाते हैं। और इलायची, आलमंड्स और पिस्ता का फ्लेवर अभी से शुरू हो गया है इससे आना। फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया केक बनता है। देखिए नज़दीक से भी दिखा देती हूँ कि कितना सॉफ्ट फ्लफी माउथ मेल्टिंग केक बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको सजाएंगे चॉकलेट गनाश से। यहाँ पे मैंने व्हाइट चॉकलेट गनाश बनाकर पहले से ही रखा था। चॉकलेट गनाश की रेसिपी अगर आपको देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप चॉकलेट मड केक फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने व्हाइट चॉकलेट गनाश और डार्क चॉकलेट गनाश का डिटेल में रेसिपी दिया हुआ है। इस केक के लिए मैंने जो चॉकलेट गनाश बनाया है इसे मैंने पहले से ही बनाकर थोड़ा सा ठंडा कर लिया था फ्रिज में, ताकि वो गाढ़ा हो जाए। और ये गाढ़ा हो चुका है तो इसीलिए बढ़िया से मोटी परत लग जाती है केक के ऊपर। मैं डबल लेयर लगाने वाली हूँ इसके ऊपर, ताकि मुझे चॉकलेट का ही इफेक्ट चाहिए इस केक के ऊपर। और देखिए गनाश कितना बढ़िया बन चुका है और गाढ़ा भी बन चुका है। गनाश की रेसिपी भी बहुत आसान है फ्रेंड्स, आप उस रेसिपी को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। आपको सभी डिफरेंट डिफरेंट केक की रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी और गनाश की रेसिपी भी मिल जाएगी। सजा दूंगी थोड़े से कटे हुए पिस्ता के साथ और थोड़े से कटे हुए बादाम के साथ, क्योंकि ये आलमंड कार्डेमम पिस्ता केक है, तो उसी का डेकोरेशन हम केक के ऊपर भी कर रहे हैं। और देखिए यम्मी टेस्टी सुपर सॉफ्ट केक बनके रेडी हो चुका है, जिसको सजाने के बाद ये और भी बढ़िया लग रहा है। तो इसे हम सेट करेंगे 1 घंटे के लिए। फ्रिज में रख दूंगी मैं अब इसे काटने से पहले। और देखिए 1 घंटे के बाद मैंने केक को काट भी लिया है और कितना बढ़िया दिख रहा है। तो इस केक की रेसिपी को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए फ्रेंड्स। बहुत सारी रेसिपीज़ है, प्लेलिस्ट आप केक की देख सकते हैं। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।